होश में आओ, होश में आओ। अरे मोदी शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे वो रे मोदी तेरा खेल, सीतारू महंगा खेल। अरे वो रे मोदी तेरा खेल, सीतारू महंगा खेल। हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी तो करायचं काय, खाली मुंडका वर पाय। नरेंद्र मोदी तो करायचं काय, खाली मुंडका वर पाय। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। कोरोना के समय पेट पे मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों के पेट पे मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वारे मोदी तेरा खेल, वाढती महागाई रद्द झालीच पाहिजे, वाढती महागाई रद्द झालीच पाहिजे। अरे केंद्र शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे केंद्र शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे डिझेल राव के डिझेल पेट्रोल। भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं आज औरंगाबाद येथे पैठण गेटवर वाढती महागाई आणि वाढत्या बेरोजगारीच्या विरोधात आंदोलन करून आता माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यात येणार आहे। एक निवेदन पंतप्रधानांना पाठवण्यासाठी आणि दुसरे निवेदन राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यासाठी। गेल्या काही वर्षात हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मनमानीपणानं जे ह्यांनी निर्णय घेतले त्याच्यामुळे प्रचंड बेरोजगारी वाढली, कोट्यवधी बेरोजगार झालेत। बेरोजगारीचा एवढा वाढता दर गेल्या 40-50 वर्षात नव्हता। आणि एकीकडे बेरोजगार केलं, एकीकडे रेल्वे खाली चिरडलं आणि जे जिवंत आहेत बेरोजगार झालेले त्यांना राशन दुकानात राशन भेटत नाही, किराणा दुकानात जावं तर प्रचंड अशी महागाई वाढलेली आहे जीवनावश्यक वस्तूंची। खाद्यतेल, तांदूळ, गहू, ज्वारी, बाजरी या सर्वच वस्तूंची महागाई वाढलेली आहे, पेट्रोल डिझेलची महागाई वाढलेली आहे। आणि म्हणून अशा परिस्थितीत एकीकडे तुम्ही बेरोजगार केलं, दुसरीकडे बेरोजगारांना खाताच येत नाही एवढी महागाई तुम्ही वाढवून ठेवलेली आहे। आणि म्हणून त्यांचे जगण्याचे मरण्याचे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत। या जगण्याचे आंदोलन आम्ही जगण्याच्यासाठीचं हे आंदोलन भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि सर्व डावे पक्ष मिळून 16 तारखेपासून करत आहेत। 16 ते 30 पर्यंत देशभर या महागाईच्या विरोधात, या वाढत्या बेरोजगारीच्या विरोधात आणि राष्ट्रद्रोहाच्या नावाखाली जे पत्रकारांना, लेखकांना, कवींना, कार्यकर्त्यांना तुरुंगात पाठवलं जात आहे त्याच्या विरोधात हे आंदोलन छेडलेलं आहे। आज आम्ही मागणी करत आहोत की वाढती महागाईला तातडीनं आळा घाला। हे स्थलांतरित मजूर जे आहेत त्यांच्या खात्यात दरमहा 7,500 रुपये तातडीनं टाका। पीक विम्याचे पैसे भरलेले आहेत त्याची नुकसान भरपाई भेटलेली नाहीये, ती नुकसान भरपाई तातडीनं द्या। तसंच पीक कर्ज मिळण्याची हे निकष जरा शिथिल करा आणि ज्यांना ज्यांना गरज आहे त्यांना पीक कर्ज तातडीनं मंजूर करा। रोजगार हमीची कामं गावागावात मागणारे रोजगार हमी मजूर आहेत पण त्यांना ती कामं देण्यात आलेली नाही। क वर्ग नगर परिषदातही तेथील प्रशासकानं रोजगार हमीची कामं काढलेली नाहीत। जिथं कामं काढलेली आहेत त्यांचं वेतन अद्यापपर्यंत मिळालेलं नाही। आणि म्हणून या सर्व प्रश्नांना घेऊन आम्ही आंदोलन करत आहोत आणि दुसरीकडे सरकारचा निषेध करत आहोत की हे जे मूलभूत प्रश्न आहेत, जगण्याचे मरण्याचे रोजी रोटीचा जो सवाल आहे त्याच्याकडे तुम्ही दुर्लक्ष करू लागलात आणि राष्ट्रद्रोहाच्या खोट्या तथाकथित कायद्याखाली तुम्ही जनतेला अटक करू लागलेला आहात, त्याचा आम्ही निषेध करत आहोत। 2013 मे और 14 का जो इलेक्शन यहाँ की केंद्र शासन जो है तो लड़ाई हमारे देश की, तो ये लोग महंगाई के खिलाफ चीखा मार मार के, भ्रष्टाचार के खिलाफ बमड़ा मार मार के जो है तो ये सत्ता के ऊपर आए। रसोई गैस का भाव बढ़ गया था, स्मृति ईरानी सर पे टाकी लेकर के फिर रहे थे, सब बीजेपी के बड़े बड़े नेता रोड के ऊपर उतर करके महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लेकिन आज जो दिन पे दिन पेट्रोल के भाव बढ़ रहे, डीजल के भाव बढ़ रहे, रसोई गैस के भाव बढ़ रहे हैं, इसके तरफ जो है तो किसी का जो है कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और इस महंगाई के बारे में अगर उनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं हमारे देश का विकास करने को जो पैसा लग रहा है इसके लिए हमारे को इतना टैक्स वसूल करना पड़ रहा है। जब 2014 के अंदर
विकास नहीं हो रहा था क्या 2013 तक के कुछ भी देश का विकास नहीं हुआ क्या? ये सवाल हमारा पंत प्रधान नरेंद्र मोदी के मोदी से है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र में आज जो है तो महंगाई के खिलाफ ये आवाज़ उठाई है। पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए और ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस बढ़ने की वजह से हर चीज़ का दाम दुगना हो गया हुआ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने हैं उसके दाम जो है तो कम से कम 30-35% बढ़ गए हुए हैं। इससे पहले कम से कम पेट्रोल के आगे और डीजल के भाव बढ़ते थे तो हमारे को एक दिन पहले ऐलान किया जाता था कि भाई आज 8 आने पेट्रोल बढ़ गया हुआ है, 25 पैसे डीजल बढ़ गया हुआ है और रात में 12 बजे से तुमको इतना महंगा मिलेगा। ये लोगों ने वो पद्धति भी बंद कर दिए डिक्लेयर करने की, बस जब पेट्रोल डालने को जाते हैं जब समझ में आता कितने पैसे बढ़े। तो हमारा ये बोलना है कि जरा सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स में तुम्हारा जो है तो कम करो और जो है तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसके अंदर कुछ टैक्सेस कम करो और डीजल और पेट्रोल के भाव कम करो ताकि जो है तो दूसरे चीज़ें भी जो है तो हमारे को आसानी से सस्ती मिल सके। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सेक्रेटरी और नाम अशफाक सलाम। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।